नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबरों का टॉप एंगल में, जिसमें हम तमाम पहलू लेकर आते हैं हर बड़ी खबर का। आज वो कौन कौन सी चार बिग स्टोरीज है, पांच बिग स्टोरीज है, वो हम आपको यहां पर बताते हैं। सबसे पहले बिना देर किए हम नजर डाल लेते हैं और फिर विस्तार से हम आपको बताएंगे उन तमाम खबरों को। सबसे पहली जो खबर है वो ये कि आखिर जो मोदी वाला फॉर्मूला है वो किस तरह से अपना रहा है चीन को मात देने के लिए। अगली जो बिग स्टोरी है वो जुड़ी हुई है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बार बार अगर आप अपना अकाउंट खंगालते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस खबर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि आज बाहुबलियों का जो अकाउंट है उस पर अटैक किया गया है। किस तरह का वो अटैक था और क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जो है वो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, आपका सिर जो है वो ऊंचा कर देगी, क्योंकि जो कुछ ऐसी तस्वीर आई है वो पैराशूट से उतरते हुए नजर आ रहे हैं टैंक, वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, आप देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति पर भी हमारी निगाह रहेगी, जादूगर का ब्लैक मैजिक वर्सेस पायलट की क्या ट्रिक है। इसके अलावा घटने वाली है दुनिया की आबादी, जी हाँ घटने वाली है, और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसकी तारीख भी आ चुकी है, क्या है वो तारीख वो हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए खबरों का टॉप एंगल। तो भारत के बाद अब अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, किस चीज की तैयारी, कि किस तरह से ड्रैगन को वो मात दे सके हर तरफ से, और वो मात ये है कि चीनी ऐप्स जो है उसे बैन करने की तैयारी हो रही है, और ये किसी भी वक्त किया जा सकता है। जाहिर है कि भारत ने इसकी शुरुआत की थी और भारत का ये जो फॉर्मूला है वो सुपर हिट रहा था, और यही कारण है कि अब अमेरिका भी उसे अपनाने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख लीजिए कि ड्रैगन का सफाया होना बिल्कुल तय है। सोशल और साइबर मीडिया की अगर हम यहां पर बात करें, जो सोशल मीडिया है, साइबर जो पूरा एक दुनिया है, और किस तरह से उसकी कमर टूटेगी ये देखिए। लोकल के लिए वोकल बनना है, मेड इन इंडिया हथियार से चीन को हराएगा अमेरिका। शुद्ध देसी फॉर्मूले से ड्रैगन को पीटेगा अमेरिका। मोदी वाला बटन दबाएंगे ट्रंप, चीन में मचेगा हड़कंप। अमेरिका से चीनी ऐप साफ होते ही ड्रैगन की ताकत होगी हाफ। हिंदुस्तान के 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के एक फैसले ने चीन को अरबों डॉलर का झटका दिया। अब भारत के इसी फॉर्मूले को अमेरिका आजमा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के 25 सदस्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो फॉरेन पार्टी से जुड़े सदस्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए चीनी ऐप्स को बड़ा खतरा बताया है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले की तारीफ कर चुके हैं। पोम्पियो ये भी कह चुके हैं कि चीनी ऐप्स से अमेरिका को खतरा है, क्योंकि चीनी कंपनियां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर काम करती हैं और उन पर डेटा माइनिंग का संदेह है। Respect to TikTok, I want to put it in the broader context. We have been engaged in a constant evaluation about ensuring that we protect the privacy of American citizens and their information as it transits. So this doesn't relate to any one particular business or company, but rather to American national security. अब ये मानकर चलिए कि चीनी ऐप्स पर कभी भी अमेरिका में सीधी स्ट्राइक हो सकती है। अमेरिकी सरकार का इशारा साफ है कि चीन के साइबर वर्ल्ड से सफाई के लिए ये सबसे सही वक्त है। इस वक्त हर मोर्चे पर चीन और अमेरिका में आर पार के हालात हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक इस वक्त अमेरिका की सेनाएं चीन से आमने सामने हैं। और अब रियल वॉर जोन से अलग अमेरिका चीन के खिलाफ साइबर जोन में भी आक्रामक हो चुका है। टिकटॉक अमेरिका में काफी लोकप्रिय है,
इसे यूज करने वाले 41% यूजर्स की उम्र 16 से 24 साल के बीच है। इतना ही नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी अमेरिकी सेना के जवानों के बीच भी जबरदस्त है। जासूसी की आशंका गहराने के बाद ट्रंप सरकार ने अपने जवानों से टिकटॉक का इस्तेमाल बंद करने को कहा था। अब इस पर जल्द ही फुल स्टॉप लग सकता है। अमेरिकी सांसदों का आरोप है कि चीनी ऐप अमेरिकियों की जासूसी कर रखे हैं। आईपी एड्रेस से लेकर लोकेशन तक पर निगाह बनाए हुए हैं। ब्राउजर, सर्च हिस्ट्री और कुकीज के जरिए प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ भी निजी जानकारी साझा की जा रही है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने पर सरकार इसी तरह के ऐप्स को बैन करने पर फौरन फैसला कर सकती है। You'll see the administration do is take actions that preserve and protect that information and deny the Chinese Communist Party access to the private information that belongs to America. अमेरिका अगर चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लेता है तो इससे साइबर वर्ल्ड पर कब्जे की चीनी साजिश को एक बड़ा झटका लगेगा। 5G सर्विस से जुड़ी चीन की हुआवे कंपनी पर पहले ही ब्रिटेन ने बैन लगाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐसा ऐलान कर चुका है। अब अमेरिका की तरफ से चीन पर नई साइबर स्ट्राइक में देर नहीं है। इससे चीन के पांव के नीचे की जमीन खिसकनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो यहाँ पर भी जो वो एक कब्जा करने का सपना संजोए बैठा ही हुआ था, उसका सपना जो है वो ध्वस्त हो जाता है। आपको हमने बताया कि किस तरह से 59 वो चीनी ऐप जिस पर भारत की ओर से लगाम लगाया गया। लेकिन अब अगर हम जनवरी 2019 की बात करें तो अमेरिकी टिकटॉक की अगर यहाँ पर बात करें तो जाहिर सी बात है कि उसकी टिकटिक जो है वो एक खतरे की घंटी यहाँ पर दिखा रही है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकी थिंक टैंक ने इस टिकटॉक पर सवाल उठाए थे, कहा था कि भैया ये क्या है, क्योंकि टिकटॉक की जहां तक बात करें इस पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे थे। ये संदेह इस पर जताया गया था और ये कहा गया था कि लोकेशन हो, इमेज हो या आपका बायोमेट्रिक डेटा हो, वो चीन भेजता है। तो इस तरह के तमाम आरोप, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि लिंक्स भी सेंड किए जा रहे हैं। अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर है अगर टिकटॉक की बात करें तो। इतना ही नहीं, टिकटॉक की मालिकाना हक वाली जो कंपनी है बाइट डांस और जिसके सीईओ है जैंग यावनी येमिंग, तो उन्होंने जारी की थी ये चिट्ठी और ये बताया था, ये जताया था कि किस तरह से अगर इसका सहयोग मिलता है तो जाहिर सी बात है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका मजबूत सहयोग का उसको वादा है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2019 की बात करें तो उस वक्त भी अमेरिकी नौसेना ने टिकटॉक पर बैन लगाया था, क्योंकि यूएस आर्मी और एयरफोर्स ने पहले ही इसे बैन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में भी सैन्य कर्मियों के लिए बैन है टिकटॉक। तो ये कुछ ऐसी चीजें, जाहिर सी बात है कि लीक होने का डर और जासूसी का डर, इसी वजह से अब इस पर किसी भी वक्त बैन लग सकता है।